आपकी जिंदगी में इस तरह के हमलों से मुकाबला करने की क्षमता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये आप में 72% है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स कम से कम 50% 6 हफ्तों में दूर हो जाएंगी। बस अपने भोजन में 40-50% कच्चा भोजन लेकर आइए, यानी ये जिंदा होना चाहिए, ये एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल हो सकता है, सूखा मेवा हो सकता है, अंकुरित मूंग हो सकती है। आपके खाने का कम से कम 40-50% हिस्सा जीवित होना चाहिए। You eat dead food and you want to live, this is a little difficult thing to do because you have to raise the dead now. आप मरा हुआ खाना खाते हैं और जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अब आपको एक मुर्दे को जिंदा करना है। जब आप खाना पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचन सामग्रियां सिर्फ शरीर में ही नहीं होती हैं, भोजन में भी ये एंजाइम्स होते हैं। जब आप खाना पकाते हैं तब आप इन एंजाइमों को काफी हद तक नष्ट कर देते हैं। जब आप बिना एंजाइम वाला खाना खाते हैं तब शरीर को वो हिस्सा फिर से बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो नष्ट हो गया है, और तभी खाना पच पाता है। आमतौर पर खाने के 1-1.5 घंटे बाद ऐसा भोजन आपकी ऊर्जा को कम कर देता है, इसके बाद धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। आपने इस पर ध्यान दिया है? तो खाना ऊर्जा के लिए होता है, पर हम खाने को ऐसे बना रहे हैं कि ये पहले 1.5 घंटे में ऊर्जा को कम कर देता है और सिर्फ उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। जो भी हो, चाहे आपकी पाचन प्रक्रिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आप उन सभी एंजाइम्स को कभी भी फिर से नहीं बना सकते जिन्हें हमने पकाते वक्त नष्ट कर दिया है। हम बस कुछ हद तक ही बना सकते हैं। एक सरल काम यह हो सकता है कि आप बस नहा लें, हमेशा सोने से पहले स्नान कर लीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे मौसम में शायद ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो, तो आप गुनगुने पानी से नहा लीजिए। रात में गर्म पानी से मत नहाइए, गुनगुने पानी से नहाइए, ये आपको सचेत बना देता है। तो आपको लगेगा अरे मुझे नींद नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनट या 1/2 घंटे बाद सोएंगे, लेकिन आप अच्छे से सोएंगे क्योंकि इससे कुछ चीजें दूर हो जाएंगी। जब आप नहाते हैं तब आप सिर्फ त्वचा की गंदगी ही नहीं हटा रहे होते हैं। आपने गौर किया है, अगर आप बड़ी टेंशन या चिंता में हो या चाहे जो हो, आप बस नहाकर बाहर निकलें और ऐसा लगता है जैसे आपके सिर से एक बोझ हट गया है। क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है? तो बात सिर्फ त्वचा को धोने की नहीं है, जब आपके शरीर पर पानी बहता है तब बहुत सारी चीजें होती हैं। नहाना एक बड़ी ही प्राथमिक भूत शुद्धि है क्योंकि आपके शरीर का 70% से ज्यादा हिस्सा असल में पानी है। अगर आप इसके ऊपर पानी डालें तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है जो कि त्वचा की सफाई से कहीं ज्यादा है। आपको पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इस पानी को खोलूं या बिना खोले भी, अगर मैं इस पानी को कुछ कहूं तो इसे याद रहेगा। इस दिशा में कई प्रयोग हो चुके हैं, तो अगर आप इस पानी को लेकर, पानी के स्रोत से लेकर अपने घर तक पंप करते हैं, तो मान लीजिए कि ये 50 मोड़ों से होकर गुजरा है, जबरदस्ती बलपूर्वक पंप किया गया है, जो कि आजकल किया ही जाता है, और आप 12वीं मंजिल पर रहते हैं इसलिए और ऊपर की ओर पंप किया गया है। Now they are saying if it goes through 50 bends, about 60% of the water has turned poisonous. अब वो कह रहे हैं कि अगर पानी 50 मोड़ों से गुजरता है तो करीब 60% पानी जहरीला हो जाता है। अगर आप नल से बाहर आते ही तुरंत इसे पी लें तो ये आपके सिस्टम में जहर का काम करेगा। अगर आप इसे लेकर कुछ समय के लिए रख लें तो ये फिर अपने आप पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये जहर रासायनिक नहीं है, ये अणुओं के स्तर पर है। अणुओं के स्तर पर बदलाव हुए हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारी परंपरा में आपकी दादी आपसे हमेशा कहती थी, आपको हमेशा पानी भर कर रखना चाहिए, इसको रात भर घर में अच्छे से साफ किए हुए बर्तन में रखना चाहिए, उस पर विभूति और कुमकुम लगानी चाहिए, एक फूल होना चाहिए। हाँ या ना, पारंपरिक घरों में
आपको उसे सिर्फ अगले दिन सुबह ही पीना होता है, न कि जैसे ही ये घर में आए। आप इसे नहीं पीते क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। बहुत ही ज्यादा पारंपरिक घरों में लोग हर रोज पानी के बर्तन की पूजा करते हैं और आप पानी को आते ही नहीं पीने लग जाते। आप उसे रखते हैं, उसे खुद को पहले जैसा बनने के लिए पर्याप्त समय देते हैं ताकि जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया है वो चला जाए और वो पानी पीने के लायक हो जाए। पानी का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है, ये फर्स्ट क्लास है, समझे? पासिंग मार्क से भी ज्यादा है। खाली पेट और भूख दो अलग अलग चीजें हैं। भूख यानी आपकी ऊर्जा का स्तर गिरना शुरू हो गया है, लेकिन पेट खाली होना अच्छी बात है। योग विज्ञान में आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत है, लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, आप वहां तक पहुंचने के लिए अरबों डॉलर खर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च का मतलब बस यही है कि कितने मिलियन डॉलर। रिसर्च ऐसे ही होती है। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छा काम तभी करते हैं जब आपका पेट खाली हो। इसलिए हम हमेशा ये पक्का करते हैं कि हम कुछ इस तरह से खाएं कि हम जितना भी खाएं, हमारा पेट हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे में खाली हो जाए। इसलिए हम हमेशा भूखे सोते हैं। लोग सोचते हैं वो सो नहीं पाएंगे, वो सो सकते हैं। तो योग में कम से कम 8 घंटे रुकने की सलाह दी जाती है। एक भोजन और अगले भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे आपको जो भी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम 50% 6 हफ्ते में दूर हो जाएंगी। ज्यादातर लोग उनका मिट्टी से संबंध केवल मरने के बाद बढ़ा पाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जीते जी मिट्टी के साथ संबंध विकसित करें। मैं तो कहूंगा कि खासकर अब जबकि ये वायरस फैला हुआ है। यकीन मानिएगा, आप में से जो लोग किसी भी तरह मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हियर वी कॉल दिस पृथ्वी प्रेम सेवा, दैट मींस गेटिंग इन्वॉल्वड विद द सोइल इन अ वेरी लविंग मैनर। हम यहाँ इसे पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं, यानी कि मिट्टी से बड़े प्यार से जुड़ना। इससे आपके जीने की क्षमता, आपकी जिंदगी में इस तरह के हमलों से मुकाबला करने की आपकी क्षमता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खाली जिंदा रहना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप मजबूती से जिए। मजबूती से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े मसल्स बनाकर किसी पर हावी हों। मजबूती से जीना यानी यहां जीवन बड़े पैमाने पर घटित हो। इसके लिए आपको एक ऐसा शरीर चाहिए जो पूरी धरती को अपना ही एक हिस्सा माने, जो कि ये है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा करें। आप सभी जो यहां ईशा योग केंद्र में हैं, हम आपके लिए कुछ प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे ताकि कम से कम 3 दिन में एक बार आप सभी के हाथ और पैर मिट्टी में हों। बहुत जरूरी है। और आप लोग जहां भी हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है या आप वॉलंटियर बनकर किसी और के बगीचे में काम कीजिए, यकीन मानिए, हाँ उन्हें मुफ्त का मजदूर मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उन्हें ज्यादा फायदा है। आप बहुत ज्यादा फायदे में हैं, क्योंकि अगर आप मिट्टी से जुड़े होंगे तो आप पर इसका जबरदस्त असर होगा। आपके भौतिक शरीर के काम करने का तरीका बदल जाएगा। अपने हाथ मिट्टी में डालिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप में से जो लोग बहुत ज्यादा ही अमीर हैं पर काम करते हुए दिखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपकी अमीरी की इमेज बिगड़ जाएगी। आप मिट्टी से स्नान कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक तरीका है।